हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दिस इज तृप्ति एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ना एन पी सी द चैनल वे कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो न तो किसी कॉन्सेप्ट न ही किसी टॉपिक पर बेस्ड होगा ये एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लेक्चर होगा जिसमें हम काइनामेटिक्स के चैप्टर थ्री एंड चैप्टर फोर के सभी फॉर्मूलेस डिस्कस करने वाले हैं ठीक है हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा है सभी फार्मूलेस ठीक है जो भी पढ़े हैं फार्मूलेज उन सभी फार्मूलेज को आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये सभी फार्मूलेज आपके बोर्ड एग्जाम एंड कंप्यूटर एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ओके सो स्टेट ट्यून टिल द एंड ओके और ध्यान से सुनिएगा सारे फॉर्मूलेज को आपको लर्न करने हैं ठीक है थीके? उसके कॉन्सेप्ट को समझना है ओके एंड इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको लेक्चर चाहिए तो लेक्चर के वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप वहां से लेक्चर्स भी देख सकते हैं ठीक है ऑलरेड लेट्स बिगिन आवर क्लास फर्स्ट वन इज एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है वेलोसिटी इज वैक्टर क्वांटिटी ओके वेलोसिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है सो वी एवरेज इज इक्वल्स टू होता है डेल एक्स बाई टी वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम ठीक है डेल का मतलब क्या होता है एवरेज ठीक है मीन्स काफी ज्यादा टाइम इंटरवल में आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं वो ठीक है नाउ एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज द टोटल पाथ लेंथ एंड टोटल टाइम इंटरवल ठीक है टोटल पाथ लेंथ आपने जो भी कवर किया है टोटल टाइम इंटरवल नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम शुड बी वेरी वेरी लेस ठीक है जब टाइम काफी ज्यादा कम हो देन इंस्टेंटेनियस वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन भी फाइंड करते हैं ठीक है सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इज इक्वल टू होता है डी एक्स क्योंकि डिफ्रेंशिएट टर्म जो होती है वो होती है स्मॉल पार्ट्स को डिवाइड करने में ठीक है इसीलिए हमने यहाँ डी एक्स अपॉन डी लिखा हुआ है एंड एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की जो फॉर्मूला है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम सो एवरेज के लिए डेल वी एंड सिमिलरली फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी डी जी ठीक है तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया अब काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ठीक है मीन्स अगर आपका कोई बॉडी मोशन कर रहा है कॉन्सेंट एक्सेलरेशन से देन वहां पर थ्री इक्वेशंस अप्लाई हो सकती है ओके फर्स्ट वन इज वी इज इक्वस टू यू प्लस ए टी ओके सेकेंड वन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड थर्ड वन इज इक्वस टू वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस वेर वी v is final velocity okay u is initial velocity and a is acceleration okay acceleration to have a constant hai. a is acceleration and t is time okay and s is displacement u again initial velocity t time a acceleration and t time and this means final velocity initial velocity एक्सेलरेशन एंड डिसप्लेसमेंट तो यहाँ पर जो वैक्टर क्वांटिटीज़ है मीनस जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा दैट इज वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन होता है एंड डिसप्लेसमेंट एस जो है वो डिस्टेंस नहीं है डिसप्लेसमेंट है ओके okay? ये आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर एस जो हम ले रहे हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस तो इसमें ओनली टी जो है वो आपका कोई स्केलर कोई वैक्टर नहीं है ठीक है बाकी सारी क्वांटिटीज वैक्टर क्वांटिटीज है क्योंकि टाइम तो हमेशा चलेगा ठीक है राइट नेक्स्ट वन इज रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी सो बी ए बी मीन्स वलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ओके तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डी तो यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल मोशन के टू कॉम्पोनेंट्स होंगे एक्स एंड वाई के दैट इज यू टी थीटा एंड यूटी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्र ठीक है मीन्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में तो नहीं होगा ठीक है एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा इसीलिए एक्सेलरेशन वाला जो सेकंड वाला टर्म है हमने सेकंड इक्वेशन लिया है ठीक है सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर यूज किया है सो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एक्स इज इक्वस टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस्ट सीटा ठीक है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में थीटा के साथ जो कॉम्पोनेट है यू कॉस्ट सीटा इंटू टी एंड एक्सेलरेशन तो यहां जीरो है तो सेकंड टर्म तो वैनिश हो जाएगा नाउ वाई इज इक्वल टू यू टी साइन टीटा वाई का जो कॉम्पोनेंट है यू साइन डीटा सो यू साइन टीटा इंटू टी माइनस एंड वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा एंड दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन ठीक है सो यहाँ नेगेटिव साइन हमने यूज किया है माइनस वन माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर ओके अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम थ्री वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ठीक है मीन्स अगर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया पॉइंट ओ से वो इस बात को कवर करते हुए पॉइंट ए पर आया ठीक है तो उस मोशन में टोटल टाइम क्या हुआ उसी को बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा ऑन जी ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है इक्वेशन यूज करके ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट मीन्स जहां पर वी जहां पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो ही, हाँ है ठीक है उस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड किया टू जी एंड हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज मींस ये वाला जो लेंथ है ठीक है मीनस स्टार्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और से एंड ग्राउंड पर पॉइंट ए पर आया तो टोटल तो तो जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल लेंथ है दैट इज कैपिटल आर एंड दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्र साइन टू थीटा बाई जी ओके दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन नाउ क्टर्स पर बात करते हैं ओके ओके तो सपोज वी हैव वो वैक्टर ए एंड द कॉम्पोनेट ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज ए एक्स ए वाई एंड ए जेड ठीक है एक्स वाई जेड में हमारे वैक्टर ए के ए एक्स ए वाई एंड ए जेड है ठीक है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के ओके अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट जो भी एक्स के डायरेक्शन में जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अंडर रूट ए वाई स्क्वायर एंड ए जीड स्क्वायर ठीक है तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर टू आपके पास वेक्टर्स हैं तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा तो so, i डॉट i हमने पढ़ा है i डॉट i तो वन होता है ठीक है एंड i डॉट j i के साथ अदर वेक्टर्स j के किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करें तो जीरो हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ठीक है तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी आपकी दैट इज एक्स बी एक्स ठीक है मीन्स x के कॉम्पोनेंट आएंगे a एंड b के लिए y के कॉम्पोनेंट एंड प्लस z के कॉम्पोनेंट जो भी यहाँ पर साइन यूज़ किया है आपने ठीक है एंड ए डॉट बी बेसिकली जो फॉर्मूला डिराव होगा दैट इज ए बी कॉस्टिटा एंड यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर है दैट इज स्केलर ठीक है स्केलर है मीन्स ये जो वैल्यूज है ओनली मैग्नीट्यूड है यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो ओनली मैग्नीट्यूड को शो शो कर रहा है ठीक है मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में जो आपका रिजल्ट आएगा वो वैक्टर आएगा ठीक है तो उसका डायरेक्शन भी आपको लेना होगा सो ए बी साइन थीटा इंटू एनकेफ एनकेफ रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ओके एंड एनकेफ इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट वैक्टर सो ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड करें तो डिटर्मेंट की हेल्प से ए क्रॉस बी को फाइंड कर लिया हमने ठीक है अगर आप आई वाला टर्म ले रहे हैं तो इस आई वाले रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए ठीक है मतलब इस तरह से ये हाइड कर दिया आपने और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ए वाई बी जेड एंड बी वाई ए जेड ये कर दिया ठीक है फिर माइनस जे वाला टर्म तो जे वाले टर्म को हाइड कर दीजिए ठीक है ये रो को हाइड कर दिया कॉलम तो ऊपर वाले कॉलम से मतलब ही नहीं है एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ठीक है याद रखिए कि जे टर्म जब भी लेंगे आप एंड राइट साइड से आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए एक्स से बी जेड करेंगे देन माइनस लेना है आपको ठीक है अगर आप पीछे वाले साइड से करते हैं ए जेड इंटू बी एक्स तो प्लस ले लेंगे ठीक है तो इस तरह से आपका ए क्रॉस बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ठीक है ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो जाएंगे ओके नाउ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो वी स्क्वायर अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन आर होगी ठीक है स्पीड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव इन सर्कुलर पाथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है एंड एक्सलरेशन की डायरेक्शन ये तो हुआ मैग्नेट्यूड ठीक है क्योंकि वी स्पीड की बात कर रहे हैं आर रेडियस की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो टर्म है दिस इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड बट इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन देन डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ठीक है टुवर्ड्स द सेंटर होगी इसीलिए हम इसे सेंटर बिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और अगर आप एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड निकालें तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा ठीक है so हो और उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर ओके दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फाइव लॉज ऑफ मोशन करेंगे वो भी काफी इंटरेस्टिंग है ठीक है वो चैप्टर भी बहुत बहुत अच्छा है इंटरेस्टिंग है सो स्टेट ट्यून विद एन पी सी एंड यस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ठीक है थैंक यू सो